हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड आज आपको इस वीडियो में बताएंगे जुपिटर लाइफलाइन आईपीओ के बारे में, जिसकी फ्रेंड कल लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड इसकी लिस्टिंग किस लेवल पे देखने को मिल सकती है, तो वो फ्रेंड आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको फ्रेंड इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं, वो भी फ्रेंड आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले देखेंगे इस आईपीओ में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो फ्रेंड इस आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा देखने को मिला फ्रेंड, 64 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें फ्रेंड सबसे ज्यादा क्यूआईबी ने लगाया है 181 गुना, और एनआई ने फिर 36 गुना ही अप्लाई किया है, और स्मॉल एनआई ने फिर 26 गुना अप्लाई किया था, और बिग एनआई ने फिर इसमें काफी ज्यादा अप्लाई किया 40 गुना, और रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें फिर सबसे कम अप्लाई किया था 8 गुना। फिर भी फैन ये आईपीओ काफी कम लोगों को देखने को मिला है, जैसे कि फिर कमेंट्स आ रहे हैं तो फिर इसमें कम अलॉटमेंट देखने को मिला है। चलिए फैन अब देखते हैं इस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है। तो फिर इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी जो देखने को मिल रहा है फैन, वो 233 रुपए का देखने को मिल रहा है, और इसमें 31% का काफी अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड आपको इस आईपीओ का लिस्टिंग गेन काफी अच्छा देखने को मिल सकता है, और फ्रेंड इस आईपीओ की जो लोएस्ट जीएमपी रही है वो फ्रेंड इस आईपीओ की लोएस्ट जीएमपी 200 रुपए की देखने को मिली है, और उस हिसाब से भी फ्रेंड 27% का गेन देखने को मिला है। फ्रेंड आपको इसकी लिस्टिंग काफी अच्छी देखने को मिल सकती है, 20 से लेकर फ्रेंड आपको 35% तक का गेन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड काफी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, और फ्रेंड अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फिर एक बार रेट को सेटल हो लेंगे उसके बाद ही फिर अप्लाई करें, क्योंकि फिर मोस्टली शेयरों में अपसाइड पे लिस्टिंग होती है, उसके बाद शेयर में फिर शेयर में फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है और शेयर में गिरावट हो जाती है, तो फिर आप गिरावट में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।